नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय पश्चिमी यमुना नहर के पास जहां पर सिया जो है वो जंप कर देती है, आज टीम पहुंची है गोताखोरों की। गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी अन्य टीम गुरविंदर सुरेंद्र सभी जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर आज पूरी किट के साथ पहुँचे हैं शव को ढूंढने के लिए, क्योंकि कल जो है लगभग दोपहर के समय में जानकारी जैसे कि आपको बताई थी कि सामने के फ्लाईओवर से एक लड़की जिसका नाम सिया है वो जंप कर देती है और जिसके बाद उसे एक लड़का भी बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। लेकिन उसके बाद सर्च ऑपरेशन कुछ गोताखोरों द्वारा यहां पर शुरू किया गया जिसके बाद जो है कोई भी सफलता नहीं मिली। लेकिन आज पूरी किट के साथ, क्योंकि गोताखोर प्रगट सिंह एक कार्यक्रम को छोड़कर जल्दबाजी में पहुंचे थे और यहां पर जो है फिलहाल आज पूरी किट के साथ पहुंचे हैं और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शव जो है वो मिल जाएगा। जो प्रगट सिंह है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, कल तो आप पहुँचे थे, आज क्या उम्मीद है, आज शव मिल सकता है, आज किट के साथ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कल एक मैसेज आया था यहीं से, एक 9 नंबर से भी, एक लड़की है नौजवान जो नहर किनारे एक्टिवा खड़ी करने के बाद उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन कल करनाल के एमपी के साथ हमारा जो एक सम्मानित समारोह था, हम उस प्रोग्राम के लिए पहुंचे हुए थे लेकिन फिर भी अपने प्रोग्राम को हमने डिले करके पहले परिवार के पास हम पहुँचे और 10-20 मिनट बच्चों ने मेहनत की, लेकिन आज अपनी सिलेंडर किट के माध्यम से यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं और आज 100% उम्मीद है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का जो शव है से बरामद कर लेंगे, क्योंकि पानी का बहाव बिल्कुल कम है और पानी भी बिल्कुल साफ नीला पानी है, साफ पानी है और गहराई भी कम है पानी की। बिल्कुल गहराई भी कम है, बीच में दोनों साइडों की बात करें तो 4-4 फुट पूरी पानी है लेकिन बीचों बीच एक गहराई है जिसकी गहराई 10 से 11 फुट हो सकती है, तो उसको सिलेंडर के माध्यम से अभी पूरा सर्कल बना के उसको निकालने की कोशिश करें। तो सर, परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है सुबह से कि शव मिल जाए, कल भी अटकलें लगा रही थी कि शव मिल गया है लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी झूठी थी, शायद किसी और का शव मिला था शायद कल। जी बिल्कुल, कल भी एक मैसेज आया था हमारे पास, एक लड़के ने भी उसके बाद सुसाइड किया था, उसको बाहर निकाल लिया गया था डायल 112 की तरफ से, लेकिन लड़की के मामले में आज सुबह से ही काफ़ी फ़ोन आ रहे थे लेकिन एक आज फिर एक सम्मानित प्रोग्राम था लेकिन आज फिर यहां पर पहुंचे हैं और अभी अपना जो सर्च है, जो सेवा है, जो टीम गोताखोर प्रगट सिंह पिछले 24 सालों से कर रही है, इसको लेकर आज एक और परिवार की सहायता करेंगे। उम्मीद है कि शव जो है मिल जाएगा। बिल्कुल, पानी का बहाव और साफ पानी का होना यही है कि जल्दी से जल्दी बॉडी मिल जाएगी। बच्ची के माँ बाप भी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो गोताखोरों की टीम है इस समय आप देख रहे हैं करनाल की जो पश्चिमी यमुना नहर है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी उम्मीद जो है आज ज़रूर है कि जो शव है वो सिया का ज़रूर मिल जाएगा। बहन भी मौके पर पहुँची है, नानी भी मौके पर पहुँची हुई है, बहन का रो रो कर बुरा हाल था लेकिन आज जो है प्रयास जो है पूर्ण रूप से अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि जो है बहुत ही दुखद घटना हुई है, क्योंकि जो सिया थी वो BA फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ती थी और जिस तरीके से किन कारणों के चलते, हालांकि परिवार में सुबह बात हुई तो परिवार ने बताया वो बहुत परेशान थी, पिता जो हैं वो उनसे मिलते नहीं थे, बचपन से ही वो नाना नानी के घर रह रही हैं, वहीं रहती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। माँ जो है माँ के गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी जो सिया थी, तो ऐसी कई परेशानियां ज़रूर थी। हालांकि बड़ी बहन जो है वो कहीं पर जॉब करती है और छोटी बहन पढ़ाई जो है वो कर रही थी एक कॉलेज के अंदर, एक प्राइवेट कॉलेज में जहां पर BA आर्ट्स की वो स्टडी कर रही थी, लेकिन यहां पर फिलहाल वो घर से 12 बजे निकलती है और उसके बाद उसके जंप करने की खबर यहां से आती है जिसके बाद उसे बचाने का प्रयास भी किया जाता है लेकिन जिसमें एक लड़का नाकाम रहता है। लेकिन यहां पर आज अब उसकी बॉडी को, उसके शव को ढूंढने का प्रयास जो है गोताखोर प्रगट सिंह द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं गोताखोर प्रगट सिंह जो है अब अपनी किट जो है, आप देख रहे हैं किट उनके जो अन्य सदस्य हैं उनकी टीम के, उनके पास है ऑक्सीजन किट है और अब जो है फिलहाल गहराई को देखकर चेक करके नापते हुए उसके बाद जो है सीधा पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ढूंढने की कोशिश करेंगे। लोग उन्हें थोड़ी सी लोकेशन ज़रूर बता रहे हैं कि आखिर किस तरफ उसने जंप किया था, कहां पर जो है आखिरी बार डूबती हुई दिखी थी, वो लोकेशन वो आसपास के लोग ज़रूर बता रहे हैं इस समय। और साथ ही साथ जो है फिलहाल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो शव है वो मिल जाएगा, जो सिया है उसकी बॉडी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि उनके परिजन जो हैं इस समय
सिर्फ इसी इंतजार में है कि कम से कम सिया का शव तो जरूर मिल जाए, क्योंकि अब फिलहाल जो ये उम्मीद लगा पाना तो बहुत ही जो है मुश्किल है कि वो बची होगी, क्योंकि बहुत ही क्योंकि यहीं पर उसे डूबते हुए देखा गया, उसके बाद उसे पानी के ऊपर आते हुए किसी ने नहीं देखा। और यहीं पर करनाल की पश्चिमी नहर के इस फ्लाईओवर से जिसने जंप किया और उसके बाद वो यहीं पर डूब गई। गोताखोर प्रगट इस समय अपनी सिलेंडर किट को अपने साथ जो है फिलहाल बांधते हुए अभी फिलहाल यहीं पर जो है पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। कल सरकारी गोताखोर भी पहुंचे थे, आसपास के लोग भी पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए थे, लेकिन सिया के शव को ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन बिना सिलेंडर किट के भी ये काफ़ी नामुमकिन सा काम है, क्योंकि पानी बीच में लगभग 6 फुट गहरा है। हालांकि सर्दियों होने की वजह से सर्दियां हाल ही में अभी गई हैं, तो पानी का बहाव भी कम है, पानी नहर में भी कम है, लेकिन फिर भी शव जो है वो बीच में अभी भी कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। और यहाँ पर पूर्ण जो प्रयास है, गोताखोर प्रगट सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही जो सिया का शव है वो बरामद हो जाए और परिवार को कम से कम इस बात की तसल्ली जरूर है कि अंतिम क्रिया वो कम से कम उसकी जरूर कर सके। तो आप देख सकते हैं गोताखोर प्रगट सिंह अब फिलहाल पानी के अंदर जाते हुए आपको दिखेंगे और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू सीधा सीधा जो है वो हो जाएगा। और पूरी उम्मीद हम लगाते हैं कि आज सिया का शव जरूर जो है यहाँ से बरामद हो जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं शव आगे जा चुका हुआ तो बहुत मुश्किलें आएंगी ढूंढने में। और क्योंकि बता दें कई कई किलोमीटर फिर शव आगे निकल जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव कम है, इसलिए ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाई जा रही कि शव यहाँ से कहीं और गया होगा। पानी की रफ्तार लगभग खत्म ही है, पानी की रफ्तार नहीं है, पानी जो है वो खड़ा पानी है। और यहाँ पर देख लीजिए जो उनकी टीम है वो अपनी ओर से अब प्रयास जो है वो लगातार करेगी। जो गोताखोर प्रगट सिंह अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस समय सिया के बॉडी को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये पानी के अंदर फिलहाल जाते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और उम्मीद यही लगाई जाएगी कि जल्दी ही सिया का जो शव है वो ज़रूर बरामद जो है यहाँ से कर लिया जाएगा, क्योंकि परिजनों को फिलहाल अब यही उम्मीद बची है, आखिरी उम्मीद है कि वो अंतिम बार जो है अपनी सिया को ज़रूर देख ले, नानी ज़रूर देख ले, नाना ज़रूर देख ले। और जो सिया की जो बहन है, बड़ी बहन है रिया, वो अपनी बहन को आखिरी बार ज़रूर देख ले। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस परिवार के लिए। सोचिए, देख सकते हैं कि जो प्रगट सिंह है वो इस समय पानी में फिलहाल जा चुके हैं और अंदर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे आईबीएन 24 के ऊपर। पूरी उम्मीद लगाते हैं शव जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।